brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन अब कहाँ से, जब 10 साल में नहीं हुआ कुछ भी तो आगे क्या होगा, फिर वोट किस लिए? कोई कास्ट वाइज का कोई मैटर नहीं है, ओनली बीजेपी के खिलाफ है लोग, बीजेपी की नीतियों से तंग है। देखो उनका कोई प्रभाव नहीं है, लोगों के दिमाग में जो बीजेपी का जो फितूर था वो उतर चुका है। अभी मोदी मोदी मोदी, आज तक मोदी का टीवी का जब भाषण आता है तो लोग बदलने लगे उसको। 10 साल में महेंद्रगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा जो विकास किया वो एक बार उसको लिस्ट बना के दिखा दे, एक काम दिखा दे कि ये विकास का कार्य हमने किया, जनहित में एक भी कार्य किया तो बताओ। और मैं रावदान सिंह के 10 साल का वो दिखा सकता हूँ जो महेंद्रगढ़ में जो विकास कार्य किया उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि इस बार हमने देखो जी एम्स का शिलान्यास करा दिया और जनता में इस बात की खुशी है। 10 साल पहले भी एक पत्थर लगा था एम्स का, इसी प्रकार हमारे महेंद्रगढ़ में एक IMT का भी पत्थर लगा था, 10 साल पहले लगा था, अब वो पीछे उस पर बातें चलने लगी हैं। 400 पार का तो नारा भूल जाओ, इनकी 40 पार ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, मैं हूँ आपके साथ राहुल और कैमरे के पीछे है प्रियांशु। आज हम महेंद्रगढ़ में हैं और महेंद्रगढ़ में जो ये चेहरे मेरे आसपास आप देख रहे हैं ये सब टीम रावदान सिंह के जो है वो अहम हिस्सा है और ये सब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से रावदान सिंह को इस बार संसद तक पहुंचाया जाए। और जब से उनको भिवानी महेंद्रगढ़ का टिकट मिला है इस चुनाव जो है वो मज़ेदार बन गया है और अब मुकाबले की बात जो है वो सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी है इनकी रावदान सिंह को चुनाव जिताने की और जब ये पब्लिक के बीच उस स्ट्रेटेजी को लेकर जा रहे हैं तो पब्लिक कितना इनका साथ दे रही है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा, क्या नाम है जी आपका? सूरत सिंह यादव है और पंचायत समिति महेंद्रगढ़ का एक्स चेयरमैन हूं मैं। और आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारे से क्वेश्चन पूछने के ऊपर। सूरत सिंह जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद सब ये तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने टिकट तो ठीक आदमी को दे दी, तो अब नीचे ग्राउंड पे आप लोग क्या मेहनत कर रहे हो, क्या मैसेज लेके जा रहे हो? देखो, टिकट जिसकी सोच ही विकास करने की थी उसी को दिया गया है, ये बहुत सूझबूझ से टिकट दिया गया है। और हमारे इलाके को, पिछड़ा इलाके को पहली बार 5 साल का रावदान सिंह को मौका मिला था, जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फ्लाईओवर, हुड्डा पार्क, सेक्रेट्रिएट, सतनाड़ी के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं ने कुछ नहीं दिया रावदान सिंह ने। वहाँ पर लोगों की सबसे पहले महिला कॉलेज, तहसील, BDO ब्लॉक और बस अड्डा, मतलब 5 आइटम तो मोटे जो लेवल पर जो कभी उनने सोचा भी नहीं था, बगैर मांगे उसकी विकास की सोच है। और रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद हमारे इलाके में दिवाली जैसा माहौल है, बहुत खुशी है। गांव गांव हम लोहारू भी हर जगह हम जाते हैं, जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की इतनी रुचि, इतना जुनून है, मतलब मैं क्या कहूँ, शायद प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन में भी इतना जुनून नहीं होगा। आज के दिन जो हमारे इलाके के अंदर महेंद्रगढ़, नारनौल, सतनाड़ी, भिवानी, जहाँ भी हम पहुँचते हैं वहाँ लोग इतनी खुशी से स्वागत करते हैं। 3 दिन पहले शिवानी से रावदान सिंह चले, लोहारू आना था, कम से कम 12 बज गए, 4 बजे का टाइम था लोहारू पहुँचने का, पर गांव गए, इतना भारी ज़बरदस्त स्वागत, कहीं लाडुओं से कहीं केड़ों से तोला जा रहा था, जबकि उन गांव का प्रोग्राम निर्धारित नहीं था, सिर्फ ऑफिस खोलने थे, इतना जुनून है। एक जैसे ना कई वीडियोज़ भी आ रहे हैं जहाँ कांग्रेसियों के बीच में आपस में धक्का मुक्की हो रही है, कुछ छुटपुट घटनाएँ हो रही हैं, तो ये चीज़ें, और फिर ऊपर से भाई बात ये भी आ जाती है कि हो सकता है कि रावदान सिंह टिकट तो ले आए लेकिन उनके साथ भीतरघात हो जाए भिवानी में खासकर। कहीं भीतरघात नहीं होगा मैडम, हमारे बिल्कुल मन से साथ है। पिछली बार हमने रावदान सिंह के कहने से किरण चौधरी का मन से हमने साथ दिया था, हमारा गाँव, मेरा गाँव सीसोट है, वहाँ पर कम से कम 500 वोट मैडम के निकले थे, उससे पहले नहीं निकला करते, हम मन से साथ रावदान सिंह के कहने से पिछली बार हुए थे, तो उसने पक्का हमारे से वादा किया नेताजी को सबके सामने, उसके पर्सनल वर्करों से भी हम मिल रहे हैं, वो कहते हैं 1 सलाह कोई धोखा नहीं होगा, मन से हम काम करेंगे और कहीं भीतरघात नहीं है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि भीतरघात नहीं है, आप भी घूमते होगे लोगों में, जैसे हम यहाँ पे आए ना और लोगों से बात करी तो एक मोदी फैक्टर थोड़ा दिख रहा है लोगों में, लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी को वोट दे रहे हैं हम, धर्मवीर से मतलब नहीं। मोदी को जी पहले वोट दे चुके हैं, 2 योजना रह चुकी है सांसद, एक नहीं, तो 2 योजनाओं में मोदी उनके नाम पे वोट तो ले गए लेकिन आज तक कभी आए, आज तक एक कोई विकास कार्य किया हो, कोई काम करेंगे तभी तो जनता वोट देगी। आज तक हमारे हलके के अंदर या हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं भी एक आप एक विकास की ईंट लगी हो तो बता दें। तो आप ये जो मोदी फैक्टर की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये ग्राउंड पे काम करेगा? ग्राउंड पे नहीं करेगा, ग्राउंड पे फैक्टर ने काम कर चुका,
दो योजना कर चुका। अब ये तो नहीं कि जब तक जिएंगे तब तक मोदी के नाम से चलती रहेगी, विकास में चलेगी, भाई मोदी विकास करेगा वो था, लेकिन अब कहाँ से जब 10 साल में नहीं हुआ कुछ भी तो आगे क्या होगा, फिर वोट किस लिए? आपसे मेरा सवाल ये है, लेकिन उससे पहले आप एक बार अपना नाम बता दो इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जोगिंदर है। अच्छा जी। हाँ, उनानी गाँव जी। उनानी गाँव आपका, कनीना। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि राव दान सिंह को चुनाव जिताने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब से उनको टिकट मिली है थोड़ा एक कास्ट का फैक्टर का भी जिक्र हो रहा है कि भाई ये यादव कैंडिडेट पहली बार इस सीट पे आया है। जी, मैं बाईकाट जाटी हूँ। अच्छा। अरे कोई कास्ट का कोई फैक्टर नहीं, सब दान सिंह के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल हमारी रिश्तेदारी, हम जा रहे हैं, पूछ रहे लोगों से, कोई कास्ट वाज का कोई मैटर नहीं है, ओनली बीजेपी के खिलाफ है लोग, बीजेपी की नीतियों से तंग है, उनको नहीं दिया। अच्छा, लेकिन ये तो दिख रहा है कि भाई जाट समाज में एक नाराजगी है लंबे समय से, लेकिन कैंडिडेट जो है वो यादव आ गया तो इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वो खुश है लोग। आप जाके देखो लोहारो बाडा तो हम गाँव में देखो, यहाँ से ज़्यादा जोश है जी। ये जो एक मैसेज चल रहा है कि भाई बंसीलाल परिवार की टिकट काट दी, ये सीट तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी शिफ्ट वाली कोई बात नहीं, यहाँ तो लोगों में पहली बार टिकट मिल रही है जी, पहले चार पाँच उन्हीं हलकों में टिकट रहती थी, पहली बार यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा, वो लोग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, हमारी सारी रिश्तेदारी हम जा रहे हैं वो बहुत खुश है। आप देखो वहाँ प्रोग्राम देखो जाकर, जातिवाद का कोई फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा 1% भी। अच्छा, चौधरी धर्मवीर सिंह कह रहे हैं कि भाई मैंने बहुत काम कराए हैं, चाहे वो 152D की बात कर देते हैं, फिर वो बाईपास की बात कर देते हैं, और कह रहे हैं कि हमने पानी भी सरकार ने जो है आखिरी टेल तक पहुँचाने का काम किया है, तो आपको लगता है कि इन 10 सालों में वो जो काम अब जनता के बीच लेके जा रहे हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा उसका? कुछ काम तो है नहीं जी, ये सिर्फ जबानी बात है और कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ लोग परेशान है, विकास कह रहे थे बिल्कुल नहीं है, 10 साल से कुछ सब कुछ ठप पड़े है। अच्छा, ये बताओ आप सब लोग दान सिंह के समर्थक हो, अगर वो जीत के संसद चले जाते हैं तो आपकी सीट तो महेंद्रगढ़ तो खाली हो जाएगी? नहीं, खाली क्यों हो जाएगी जी, कौन आएगा फिर, उनका बेटा तैयारी कर रहा है? हाँ बेटा है जी, बिल्कुल है। फिर लोग कह देंगे भाई तो परिवारवाद वाली बात होगी, बाप संसद गया तो बेटा, अरे वो पार्टी की पार्टी है जी, वो क्या फैसला लेगा, वो पार्टी का फैसला लेना, वो हमारे लिए उनकी बात थोड़ी है, वो पार्टी जो करे वो फैसला मंजूर है वो कुछ भी। अच्छा जी, आप बताओ कि दान सिंह के लिए क्या प्लान बनाया आपने, कैसे नेताजी को संसद तक पहुँचाएंगे? देखो जी, मैं महेंद्रगढ़ की बात करता हूँ, महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर ने अपना एक भी विकास कार्य गिना, देखिए महेंद्रगढ़ में मैंने ये किया, हमारे शहर की रोडों की हालत देखो, और पानी की कहते हैं पानी महेंद्रगढ़ में पीने के लिए नहीं है, रोजाना राशनिंग होती है पानी की, आज पानी 15 दिन पानी आता है, जब तक नहर आता है तब तक पानी आता है, उसके बाद पीने के पानी की राशनिंग करते हैं, एक दिन छोड़ एक दिन पानी आता है, दिल्ली से हम 100 किलोमीटर दूर बैठे, ज़्यादा दूर नहीं बैठे दिल्ली से, हमारे ये हालात है। विकास की बात करो तो आप शहर के रोडों में जाके देखो, आप चौधरी धर्मवीर ने पिछले 10 साल में महेंद्रगढ़ के नाम में कुछ नहीं किया, महेंद्रगढ़ में विकास हुआ तो 10 साल में रावदान सिंह जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार थी, उस टाइम हमारे शहर में, उससे पहले हमारे शहर में सीवरेज की लाइन भी नहीं थी, सीवरेज भी लाइन उन्होंने भी लगवाई, वाटर सप्लाई का बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया, और मिनी सेक्रेटेट बनाया, ऑडिटोरियम बनाया, सबसे पहले स्विमिंग पूल भी कांग्रेस सरकार की देन है। बीजेपी सरकार ने 10 साल में महेंद्रगढ़ में एक विकास कार्य दिखा दो इंडिविजुअली भी, ये कार्य विकास महेंद्रगढ़ में बीजेपी सरकार ने, और चौधरी धर्मवीर सिंह तो यहाँ आते नहीं थे, और आते थे तो बोलते थे हमारी चलती नहीं, और वो तो कहते थे मैं तो लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ से ना, आप जैसे इस सीट पे ना दो जगह से, अब तो अभय सिंह यादव भी मंत्री हो गए, उससे पहले ओम प्रकाश एडीओ मंत्री थे, तो भाजपा के विधायक हैं और एक तो सिटिंग अभी मंत्री भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाई उसका तो प्रभाव रहेगा कुछ ना कुछ? देखो, उनका कोई प्रभाव नहीं है, लोगों के दिमाग में जो बीजेपी का जो फितूर था वो उतर चुका है, ठीक है, बोलो पहले जो कहते थे ना भी मोदी मोदी मोदी, आज तक मोदी का टीवी का जब भाषण आता है तो लोग बदलने लगे उसको, मोदी के भाषणों से भी लोग उसे, आप गाँव में जाओ शहरों में जाओ जब मोदी का भाषण होता है तो औरतें और बच्चे भी मतलब मोदी ही बोलता है, मोदी के नाम से भी उभ गए लोग, चैनल का चैनल बदल देते हैं, ये मीडिया की देन है, टोटली मोदी मीडिया हो गया, मीडिया भी मोदी वे हो गया, तो सब कुछ खरीद लिया, हिंदुस्तान में कहते हैं 5000 चैनल, 5000 के चैनल मोदी जी में हो रहे हैं, उससे माहौल थोड़ी बनता है, आप धरातल पे जाके देखो ना, विकास की बात करें 10 साल में महेंद्रगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा जो विकास किया वो एक बार उसको लिस्ट बना के दिखा दे, एक काम दिखा दे कि भाई ये विकास का कार्य हमने किया, जनहित में एक भी कार्य किया तो बताओ,
और मैं रावदान सिंह के 10 साल का वो दिखा सकता हूँ जो महेंद्रगढ़ में जो विकास कार्य किया उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। देखो हमारे शहर में आर ओ भी नहीं था, आर ओ भी इसके प्रोफेसर रावदान सिंह जी की है जी, ठीक है। और आपने प्रोफेसर रावदान सिंह बना नहीं, प्रोफेसर रावदान नहीं, प्रोफेसर रामबिलास शर्मा कहते थे महेंद्रगढ़ को भिवानी बना दूंगा और पाली को पिलानी बना दूंगा, वो तो नहीं बना पाई। रावदान सिंह जी ने भिवानी में एक पुल था, वो पुल रावदान सिंह ने बनाया, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो भी रावदान सिंह ने बनवाई। बोलने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करना पड़े, धरातल पे काम करने के लिए रावदान सिंह जैसा ही सांसद होना चाहिए देश में। चलिए रावदान सिंह को सांसद बनाने की बात करें, आपके पास आऊँगा जी, क्या लगता है आपको, तमाम फैक्टर पे हमने बात की लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की भी इस इलाके में ठीक ठाक पकड़ है, उनके वर्कर भी हैं, तो नहीं नहीं आप भी बता दो, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह तो धर्मवीर के लिए ही वोट मांगेंगे आज, तो फिर कैसे बात बनेगी? यार राव इंद्रजीत सिंह का वो नहीं रहा, नहीं रहा प्रभाव, नहीं रहा। आपको क्या लगता है जी? नहीं बिल्कुल नहीं है, मेंदड़ में उनका कोई प्रभाव नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा है एरिया, पहले पिछड़े बोलते थे लेकिन जब से रावदान सिंह यहाँ से विधायक थे तो हमारा विकास हुआ है। और पढ़ा लिखा आदमी किसी परिपाटी को नहीं पीटता है, वो अपने विकास की, अपने बच्चों के भविष्य की सोचता है। हमारे राव इंद्रजीत ने हमें दिया क्या है? क्या कोई आपने कोई उद्घाटन घूमते रहते हैं, आपने देखा है कहीं इंद्रजीत के नाम से कोई उद्घाटन महेंद्रगढ़ में हुआ है? वो कह रहे हैं कि इस बार हमने देखो जी एम्स का शिलान्यास करा दिया और जनता में इस बात की खुशी है। 10 साल पहले भी एक पत्थर लगा था एम्स का, अभी भी वह माजरा और माजरा गांव में जो बना, जो अभी उसका शिलान्यास किया है उन्होंने, उसके लिए तो पिछले 10 साल से धरने पे बैठे हुए थे वे लोग। अब जैसे ही ये इलेक्शन नज़दीक आया है तो एक फिर पत्थर फिर लगा गए। इसी प्रकार हमारे महेंद्रगढ़ में एक IMT का भी पत्थर लगा था, 10 साल पहले लगा था, अब वो पीछे उस पर बातें चलने लगी हैं। ऐसे विकास तो इसे हम विकास कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ऐसे विकास। अच्छा जी आपके पास आऊँगा, जैसे रामबिलास शर्मा जी हैं महेंद्रगढ़ से जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे रावदान सिंह के, तो आपको क्या लगता है, जैसे अभय सिंह यादव मंत्री हैं, उससे पहले ADO मंत्री थे, यानी कि बड़े बड़े भारी भरकम नेता तो हैं यहाँ पे, तो फिर दान सिंह जी की दाल कैसे गलेगी? दान सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है, यहाँ महेंद्रगढ़ में विकास करवाया काफ़ी और लोगों की भावना भी काफ़ी है, साफ सभी का नेता है, कोई भी उसके कोई खिलाफ नहीं है, ठीक। और एक तरफा पोलिंग होगी, वोट एक तरफा जाएगा कांग्रेस को। ये कह रहे हैं कि एक तरफा पोलिंग होगी रावदान सिंह के लिए, तो पंडित रामबिलास शर्मा जी का कोई जादू नहीं चलेगा? नहीं, पंडित रामबिलास शर्मा जी BJP के लिए जो काम करना था वो करके दिखा दिया, और लोग खुद उन्हीं की पार्टी के लोग मतलब उनके खिलाफ हैं। अच्छा। उनका कोई जनाधार है ही नहीं। और मैं देखिए एक बात कहना चाहूँगा आपसे, लोकसभा इलेक्शन में अगर किसी पार्टी ने किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया है तो उसके पास अपने शीर्ष नेता के आधार पर वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस व्यक्ति को BJP पार्टी ने दो बार पार्टी ने टिकट दे दिया तो खुद का वजूद भी पार्टी के नेता का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक MP हमारे 2 बार MP बन चुके हैं, 10 साल से यहाँ पर MP हैं, तो खुद के नाम के ऊपर वोट मांगने की बजाय MP का नाम लेकर BJP के मोदी का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये जायज है? उनका खुद का आधार नहीं है कोई एक विकास कार्य गिनवा सकते हैं वो? हमारे MLA रहते हुए रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इतना नायाब तोहफा दिया है, जो MLA रहते हुए इतना विकास कर सकते हैं, सोच के देखिए आप, अगर वो MP बन गए और पार्टी की सरकार आ गई तो हमारे इलाके की तो बल्ले बल्ले है। आप बल्ले बल्ले की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि भाजपा पिछली बार जो बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा लेकर आई थी और तमाम तरह की बात थी कि भाई अब हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम करेंगे और अच्छी खासी सीटें जिताई इस इलाके में भी, अब धर्मवीर सिंह जीते पिछली बार भी, तो जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो नारा है वो पिछली बार तो लोगों ने अपना लिया था, इस बार क्या लगता है? इस बार अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जितने उसके साथ MLA साथ देने वाले थे सब तो भागे हैं, JJP का गठबंधन टूट गया, इनके पास इनका पूर्ण बहुमत ही नहीं है अभी, और ये तो पहले अविश्वास प्रस्ताव ले आए कांग्रेस वाले, यदि वो ना होता तो आज इनकी सरकार ही नहीं बचती, MP इलेक्शन होते होते सरकार नहीं बचती, कहाँ जनाधार है बताओ आप? हालात ये हैं, आज आप कहीं भी निकल लें, हम तो चलो महेंद्रगढ़ के वासी यहीं रहते हैं, बाकी लोग हम अपनी पार्टी के कार्य के लिए बाहर भी निकलते हैं और देखते हैं लोगों का हुजूम इतने बड़े पैमाने पर BJP के व्यक्तियों को घुसने नहीं दिया जा रहा। भाई साहब आप तो पत्रकार हैं, घूम के देख रहे होंगे,
किसी भी मीडिया चैनल पे, किसी भी आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं। आज के युग में मोबाइल से कोई चीज़ अछूती नहीं है। आप देखेंगे जा करके तो हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं। बीजेपी के 20 सीटें आनी मुश्किल हैं। अब की बार अगर एमएलए सीट की बात करें तो लोकसभा में तो आप पूछो 400 पार का तो नारा भूल जाओ, इनकी 40 पार ही नहीं है। चलिए कह रहे हैं कि 40 पार भी नहीं है। आपके पास आऊँगा, एक राव बहादुर का भी जी चैलेंज है आप लोगों के लिए बड़ा, तो उससे कैसे निपट रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं राव बहादुर जो है वो अगर वोट काटेंगे तो दान सिंह की काटेंगे। राहुल जी, राव बहादुर का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। और राव बहादुर सिंह जी अभी कांग्रेस पार्टी में ही थे 3-4 दिन पहले, और अचानक से उनकी किस प्रकार से क्या नाराज़गी हुई ये तो वही बता पाएंगे। बाकी राव बहादुर सिंह का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि भाई मैं तो यदुवंशी हूँ और जाट समाज मेरे हनुमान की तरह है मेरे लिए और मेरे को पूरा समर्थन देंगे। राहुल जी, 56 साल की उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये इलेक्शन पब्लिक लड़ रही है, बीजेपी वर्सेज जनता, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है। केंद्र सरकार 10 साल तक शासन किया, मोदी जी के पास एक भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है कि मेरे को इस नाम पर वोट दीजिए। कितनी मतलब जो है वाह याद की बातें वो निकाल करके लाते हैं, झूठी बातें। कहीं मंगलसूत्र का जिक्र नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कहीं संपत्ति प्रॉपर्टी छीन करके किसी में बांटने का जिक्र नहीं है। और प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग को हम समझ में नहीं आ रहा कि भाई चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी ने कल भी इंटरव्यू दिया है किसी चैनल को, और उसमें फिर वही जो है हिजाब, वोट हिजाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाबरी का जो है अब वो किस तरह की बातों, अब उनको बताना चाहिए अपने 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर कि भी एक सिंगल बात तो बताएं प्रधानमंत्री जी कि हमने ये जो है काम किया, इस आधार पर हमें वोट दें। दूसरी एक एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो काम गिनाए, लेकिन जब यहां पर बात होती है हरियाणा में तो वो कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर रोड कनेक्टिविटी दी है, 152D का जिक्र कर देते हैं धर्मवीर सिंह, और इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा एरिया NCR के नज़दीक है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो, हमने कनेक्टिविटी दे दी है अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। राहुल जी देखिए, कनेक्टिविटी तो एक बढ़िया चीज़ होती है, लेकिन कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करें दिस इज़ ए टोटली कॉमर्शलाइजेशन। क्योंकि सड़क, इस सड़क के ऊपर कोई भी गाँव का बंदा ना तो चाय की दुकान कर सकता, ना कोई टायर पंचर की रेडी लगा सकता, ये प्योर कॉमर्शलाइजेशन है। और सड़कों का तो आपको पता है भाई, 1 किलोमीटर जब हम चलते हैं तो 1.5 रुपया उसका हमें पैसा देना पड़ता है। और कनेक्टिविटी हुई है, और हमारे जो क्षेत्र के अब जो सांसद प्रत्याशी हैं राव दान सिंह जी, उनका ये विजन है भाई कनेक्टिविटी होगी तो हम बड़ी इंडस्ट्री लेकर के आएंगे। और जहाँ तक धर्मवीर सिंह जी की बात है, धर्मवीर सिंह जी ना तो कभी क्षेत्र में नजर आए, और ना चौधरी धर्मवीर सिंह जी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन तुरंत उठा लेते हैं और 1 मिनट में काट देते हैं, ठीक है मैं कह दूंगा, पूरी बात भी नहीं सुनते हैं। और पीछे उन्होंने पर्सनली बातचीत में भी ये कहा था भाई मैं जो है सांसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वहाँ मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं विधायक का ही चुनाव लड़ूंगा। और भी लोग हैं हमारे साथ टीम राव दान सिंह के, ये नायाब सितारे हैं लगे हुए हैं अपने नेता के लिए। आपसे सवाल मेरा ये है कि हमने इधर एक व्यक्ति सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो 20 साल से MP हैं और वो कह रहे हैं भाई मैं 13 तारीख को वोट मांगने आऊँगा धर्मवीर के, और उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि कोई किसी भ्रम में ना रहे और धर्मवीर सिंह को जिताना है। ये राव साहब की बहुत बड़ी भूल होगी अगर वो 13 तारीख को मेंदरेड में आते हैं, क्योंकि उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ राव दान सिंह का जो रेजिडेंस है, एक दूसरे का नुकसान करेंगे, मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन उनके आने से आप लोगों को दिक्कत तो हो सकती है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी टीम मजबूत है, ऐसे चुनाव लड़ रही है और मजबूत होंगे, जितने यहाँ पे आएंगे दान सिंह को हराने के लिए हम उतने मजबूत होते चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके पास आऊँगा, ये मैडम किरण चौधरी की बड़ी चर्चा है, उनकी बेटी का टिकट कट गया, और हालांकि अब तो साथ में ऑफिस भी खोला है, वो साथ नज़र आ गई है, पब्लिकली भी कह रही है कि सपोर्ट करो, लेकिन लोगों को डाउट है कि भाई अंदर अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो क्या आप लोगों में भी इस तरह कोई मैसेज है? देखिए राहुल, बड़ा एक बड़ा सिंपल सी बात है, आपको मेरे पर शक है, मैंने स्पष्ट ये कह दिया कि मैं आपके साथ हूँ, फिर भी अगर पब्लिक डाउट करती है तो उसका तो हम क्या अल्टरनेट निकाल सकते हैं। उन्होंने खुद जाके कार्यालय की ओपनिंग करवाई है, और आप हैरानी मानेंगे कि उस कार्यालय की ओपनिंग में इतनी भीड़ थी जितनी धर्मवीर चौधरी जी के नामांकन में भीड़ थी,
इतनी भीड़ उस कार्यालय की ओपनिंग पे भीड़ थी, तो वो भीड़ उनकी समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे। वो इतने भाई प्रदेश की इतनी कद्दावर नेता हैं, मंत्री रह चुकी हैं, अगर वो स्वयं अपने मुख से ये बात कहनी है कि मैं रावदान सिंह जी के साथ हूँ, उनका समर्थन करूँगी, उनके लिए प्रचार करूँगी, इसके बाद किरेन्तु परंतु तो कोई बात रही नहीं जाती। हाँ, विपक्ष इस मुद्दे को जी उठाता रहो, मंशा क्या है क्या नहीं, भाई आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया, आप शक की क्या गुंजाइश है, कोई गुंजाइश नहीं है। वो साथ नहीं आती, गाड़ी में साथ नहीं बैठती, साथ प्रचार नहीं करती, तो आप शक करते रहो, हम भी मानते हुए शक की गुंजाइश होती, अब कोई गुंजाइश नहीं सकती। वो बिल्कुल तन मन धन से रावदान सिंह जी के साथ है, ये स्पष्ट उन्होंने कहा है, भी मैं जबरदस्त उनकी सहारा लगाऊंगी, मोदी मदद करूंगी, गांव के दौरे करूंगी सारे, और आपके सामने कार्यालय ओपनिंग कराई उन्होंने खुद अपने हलके के अंदर, इससे बड़े पर क्या सबूत दे सकते। अच्छा, एक यहाँ भी चैलेंज आ रहा है रावदान सिंह के सामने, राव बहादुर के रूप में, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़े हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ठीक ठाक वोट नहीं आए, वोट भी आए हैं। एक्चुअली देखो, राव बहादुर जी नो डाउट, एक तो दो समस्याएं, एक तो वो हमारे महेंद्र से नहीं है, सोली गांव है उनका, जो राजस्थान में पड़ता है, आप इससे स्पष्ट हैं। दूसरी बात, जो उनकी जो राजनीतिक जो उनका जीवन रहा है, वो भी हमें कभी महेंद्रगढ़ से नहीं रहा, वो एक बार विधायक बने, वो भी नांगल चौधरी से विधायक बने थे, महेंद्रगढ़ से विधायक नहीं बने थे। अब रही बात कि भाई वो आज हमारे ऊपर क्या असर डालेंगे, देखिए जो चुनाव है ना, उनकी जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जजपा पार्टी, पिछले 15 दिन में जजपा का क्या कंडीशन है आपको पता ही है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक शायद उनकी पार्टी में कोई पदाधिकारी बचा है। जो उनका पहले जो रिजल्ट आया था उस समय में और अब की परिस्थितियों में पार्टी में दिन रात का फर्क है। जजपा पार्टी फिलहाल ग्राउंड पे कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि महेंद्रगढ़ के जो जिला अध्यक्ष थे एडवोकेट तेज प्रकाश जी, उन्होंने हमारे नॉमिनेशन डे वाले दिन रावदान सिंह जी का समर्थन कर दिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पार्टी, देखो कोई भी पार्टी अपने कैडर से लड़ती है, यहाँ रावदान सिंह जी नहीं बैठे हैं, लेकिन उनका कैडर बैठा है, उनके समर्थक बैठे हैं, तो कैडर की बहुत जरूरी है। और फिलहाल जजपा पार्टी का कैडर खत्म हो चुका है, इस बात से पूरा हरियाणा वाकिफ है, इवन उनके पदाधिकारी, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, सब कुछ तो पार्टी छोड़ दिया। आपने कैडर की बात करी और इससे मुझे एक चीज़ ध्यान में आ गई, भाजपा ये कहती कि भाई ये लोग 10 साल में संगठन नहीं बना पाए, हमारे पास संगठन की ताकत है, पन्ना प्रमुख है, और कहीं ना कहीं जो संगठन वाली कमी है वो आपकी पार्टी के नेता भी स्वीकारते हैं कि भाई ये होना चाहिए था, लेकिन अब आप बिना संगठन के चुनाव में। देखो आप इसे हमारी कमी ना हमारी मजबूती समझिए, मतलब हमारा संगठन नहीं है और फिर भी आज अगर मजबूत कैंडिडेट, कितनी बड़ी बात है, एक बात। दूसरी बात, देखो भाजपा और कांग्रेस में एक फर्क है, भाजपा में पदाधिकारी ऊपर से एक पर्ची आती है जिससे उसका नाम चुना जाता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर वोटों से वो पदाधिकारी चुना जाता है। वोट कराने के लिए बड़ा ही मतलब समय भी चाहिए होता है, भाई कई कैंडिडेट भी होते हैं, वो इतना आसान नहीं होता भाजपा की तरह, भाई ये नहीं भाई ये जिला अध्यक्ष हो गया ये पदाधिकारी, इतना आसान नहीं होता। दूसरी एक चीज़ और ये है, मैं आपको बताता हूँ, देखो जिसमें जिस पद के लिए लड़ाई ज़्यादा होगी, मुझे लगता है उसका रिजल्ट देर से आएगा। भाजपा में हो सकता है भाई जिला अध्यक्षों के लिए लड़ाई नहीं होगी तो इस वजह से उन्होंने जल्दी डिक्लेयर कर दिया, हमारे यहाँ तो एक पद के लिए इतनी लड़ाई है, इतने लोग दावेदार हैं जिसकी वजह से समय लग गया, यही कारण है जी। आप बताइए, अच्छा ये आप हमारी इसकी पॉजिटिविटी देखिए कि हमारा संगठन नहीं है फिर भी हम इतना लड़ रहे हैं। सोचिए आप, आज हम भिवानी जाते हैं, हमें ये नहीं पता भिवानी का जिला अध्यक्ष कौन है, लेकिन फिर भी वहाँ इतने व्यक्ति खड़े रहते हैं जो अपने आप में जिला अध्यक्ष बनकर वहाँ काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई पद नहीं है। आज भी एक वहाँ पे एक मीटिंग थी पत्रकार की, उन्होंने कहा भाई पदाधिकारी कोई नहीं होगा, तो हमने तो स्वयं कहा कि भाई हमारे हरियाणा में फिलहाल सिर्फ एक पदाधिकारी हैं जो हमारे उदयभान जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पूरे हरियाणा के सारे कांग्रेसी अपने आप में पदाधिकारी और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं किसी पद की, ये इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है बताइए। चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा, और एक गाना चल रहा है जी भिवानी का, किंग राव दान सिंह, कैंपेन में खूब हम सुन रहे हैं ये गाना, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है इस बार आपको अपने नेता की? 3.5 लाख से, लेकिन धर्मवीर कह रहे 4 लाख से मैं जीतूं। नहीं हो तो अपने कुछ भी कह सकते हैं जी, वैसे तो बहादुर भी कह रहे भाई 4 बार 4 20 से मैं जीतता बैठा हूँ, है तो नहीं तो 3.5 लाख। हाँ जी, 3.5 से ऊपर। तो ये टीम रावदान सिंह के जो मेन कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ थे, हमने इनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या स्ट्रेटजी है इनकी चुनाव लड़ने की, क्या मैसेज लेके जनता के बीच जा रहे हैं, और इनका दावा है कि भले ही हमारे पास संगठन है नहीं है लेकिन हमारा कार्डर बहुत मजबूत है, और चौधरी धर्मवीर सिंह का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। राव बहादुर सिंह के फैक्टर पर भी बात हुई, उनको ये लोग नकार रहे हैं कि उनका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। किरण चौधरी और उनकी बेटी के बारे में कह रहे हैं कि वो दिल से साथ है, तो क्या ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं अगर ये फिट बैठती हैं तो हो सकता है कि 4 जून को जो ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि 3.5 लाख से रावदान सिंह जीतेंगे, तो वो उम्मीद जो है वो कितनी सिरे चढ़ेगी, कितना कामयाब होगी, ये 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आप हरियाणा तक देखते रहिए, हम आपको पूरे स्टेट की कवरेज जो है वो दिखाएंगे, बताएंगे कि किस सीट पर कैसा माहौल है, कौन किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है और अंदरूनी राजनीति किस प्रकार जो है वो नया मोड़ ले रही है। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक, महेंद्रगढ़।